भुवनेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर थम गया है। रविवार को प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। अब प्रचार रुकने के बाद प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। 12 जून को प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। फर्जी मतदान रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। इसके लिए प्रशासन ने केंद्रीय सुरक्षा बल की 5 कंपनियों को महेश्वर में तैनात किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता फरीद शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फरीद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां, कल होना है मतदान और सुरक्षा व्यवस्था का जो कुछ जायजा लिया उसके बारे में भी बताएं। समय यह मैं बता चाहूंगा कि चुनाव प्रचार में जो दोनों पार्टियां हैं वो तो अपने प्रशासनिक आदेश के बाद से अपना प्रचार तो बंद कर दिया, लेकिन अब घर घर जाकर वोट मांगने का काम शुरू हो गया है। अगले और हर द्वार पर जाकर अपने जो वोट मांगना है वो किसी तरह से गाड़ी से प्रचार तो नहीं कर पाते। हालांकि अभी जो सूचना मिली उसके तहत एक राज्यसभा की जो ये सांसद विधायक की उषा ठाकुर, इनकी कोई गाड़ी जो प्रचार कर रही थी उसको लेकर थोड़ा विवाद भी हुआ है और यहाँ पे तहसीलदार भी पहुंचे गए और उसके संबंध में राज्यसभा सांसद ने शिकायत भी की है। हालांकि अभी जो दूसरे प्रत्याशी जिसमें 7 से तो निर्दलीय हैं और अन्य दलों के 3 हैं और उसके सही कांग्रेस और भाजपा के जो है टोटल 12 उम्मीदवार हैं जो अपना मत अपने पक्ष में लेने के लिए लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं। जी, और यदि बात की जाए पुख्ता इंतजामों की तो वो क्या कुछ नजर आ रहे हैं? प्रशासन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रखी है। टोटल जो 219 मतदान केंद्र है यहाँ के लिए और पुलिस की अपनी जो व्यवस्था है उसमें अलग अलग बटालियन भी इकट्ठी हो चुकी है और नए एसपी आ रही है जो मतलब इसमें सारी चीजों को संभालने की व्यवस्था में लग गई है। जी फरीद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो महेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर रविवार शाम को थम गया, लेकिन पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से भी कर लिए गए हैं। कल होना है महेश्वर में उपचुनाव के लिए मतदान। दूसरी खबरों का रुख करें तो अब केवल छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल इलाकों की सड़कों पर ही लोगों को मौत का डर सताता था। अब तक